वेलकम टू इस्मा कुकिंग कॉर्नर। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा सैंडविच, जो शाम की छोटी मोटी भूख के लिए बहुत अच्छा है, जिसको आप घर पे 5 मिनट में बना सकते हैं। जिसको बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सैंडविच ब्रेड, बारीक कटी हुई सब्जियाँ जिसमें मैंने टोमेटो के बीज निकाल दिए थे, उसको छोटा छोटा काट लिया था। कैप्सिकम के भी सीड्स हमने निकाल लिए थे और उसको छोटा छोटा काट लिया था। और ऑनियन को भी हम लोग ने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया था। मोजरेला चीज जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। पिज्जा सॉस, मेयोनीज, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ओरिगैनो। आइए अब हम सैंडविच को बना लेते हैं। सैंडविच बनाने के लिए हमें पहले ब्रेड चाहिए। ब्रेड पे हम पिज्जा सॉस को स्प्रेड कर देंगे। अब इस पे हम कुछ सब्जियों को डाल देंगे। इसको लगा देंगे। अब इस पे हम ग्रेटेड चीज को स्प्रेड कर देंगे। चीज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिसको ज्यादा पसंद है वो ज्यादा ले सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ओरिगैनो को स्प्रिंकल कर लेंगे और चिली फ्लेक्स को भी। अब हम ब्रेड का दूसरा स्लाइस लेंगे, इस पे भी हम पिज्जा सॉस को स्प्रेड कर देंगे। अब इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपरी साइड पे भी हम चीज को स्प्रिंकल कर लेंगे। चिली फ्लेक्स को भी स्प्रिंकल कर लेंगे इसके ऊपर। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम सैंडविच को ग्रिल स्टैंड पे रख देंगे और 1 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे। देखिए सैंडविच रेडी हो चुका है। अब इसको हम बीच से कट कर लेंगे।